अस्सलाम वालेकुम बहन भाओ, की हाल चाल है? वो यार फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। अच्छा यार, आज का सीन ये है कि आज शाम को है हमारे कजन का एक मायो, ठीक है, हमने वहां जाना है। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? तो आपका भाई आज सुबह सुबह उठ गया 11 बजे। आज कॉलेज भी नहीं गया, कॉलेज से छुट्टी की है क्योंकि आज थोड़ा सा काम है। मामा के मेरे कपड़े फंसे हुए हैं दर्जी के पास, तो वो मैंने जाना है, काफी घर से काफी दूर दर्जी है, तो उसके पास लेने जाना है। तो मामा का सुबह सुबह ऑर्डर है कि उठो और जाके लेके आओ। अब मैं जा रहा हूँ दर्जी के पास मामा के सूट लेने। तो सूट लेके जैसे ही वापस आएंगे, वापस आके थोड़ा तैयार वगैरह होके फिर हमने जाना है उधर मायो पे, ठीक है। तो अब हम निकलते हैं दर्जी के पास, तो दर्जी से सूट वगैरह लेके फिर आते हैं। ओके चलो जी। भाईजान आपका भाई उधर से होके आया है टेलर से, ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि अभी 1 घंटा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ से अपने दोस्तों से जा रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर थोड़ी देर 1 घंटा उधर हम स्टे करते हैं। तो जैसे ही वो हो जाएगा मुझे कॉल कर देगा, तो फिर हम लेके फिर हम सीधा निकलेंगे घर। ओके तो यार कपड़े वगैरह ले लिए हमने, ठीक है, मामा के। तो कज़न की तरफ मैंने वो दोस्त की तरफ मैंने वो बनाई नहीं वीडियो क्योंकि भूल गया, आपका भाई फोन ही गाड़ी में रह गया था। अच्छा ये पीछे पड़े हुए हैं इस तरफ कपड़े, तो अब हम चलते हैं घर। घर जाके नहाएंगे, नहा धो के तैयार होंगे अच्छा था, फिर हम जाएंगे उधर कज़न की जो है फंक्शन है रात को उसकी शादी का, ठीक है। तो यार आपका भाई वापस वगैरह आ चुका था, ठीक है। तो अब लाइट चली गई है, टाइम हो रहा है इस टाइम 5:30। नमाज वगैरह पढ़ के आपका भाई फ्री हो चुका है, लेकिन लाइट ही नहीं आ रही है। अब लाइट आएगी तो कपड़े वगैरह इस्त्री करेंगे। ये आपका भाई आज पहन रहा है ये जो सा अपर है ऊपर, ठीक है, और ये साथ पैंट पहन लेगा। तो जैसे ही लाइट आती है तो कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो गए, फिर आपसे मैं बोलता हूँ। ओके बूम। तो यार आपका भाई रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा है, टाइम है कि हम जाएं अपने यानी कि फंक्शन जो है शाम को वहां पे, ठीक है। तो मामा वगैरह को मैं कह रहा हूँ कि जल्दी कर ले, मामा साहब स्पीड मार लो, चलें काफी टाइम हो गया। हाँ तो अब हम निकल हम उतरते हैं नीचे सीढ़ियां, ठीक है, तब तक मामा वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, वहां जाके फिर हम आपसे मिलते हैं। चुके हैं हम, ठीक है, अब शादी वाले घर में जैसे आप देख सकते हैं ये सारी लाइटें वगैरह इधर लगी हुई हैं। तो अभी काफ़ी हमारे कज़न वगैरह नहीं आए हुए, जैसे वो आते हैं उनका थोड़ा शुगर वगैरह लगाएंगे, और जो उनसा है अभी हम चलते हैं, अभी खाना वगैरह भी खाना है, खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद हम शुगर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, खाना वगैरह खा के फिर मिलता हूँ आपसे। तो यार अभी आया आपका भाई, काफ़ी ज़्यादा थक गया था, उधर मैं थोड़ी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी लोग उधर आए हुए यानी कि फैमिली के काफ़ी लोग थे, तो अच्छा नहीं लगता, वो कुछ लोग बुरा मनाते हैं, इस वजह से मैं आपके भाई ने उधर वीडियो नहीं बनाई। तो अभी घर आया हूँ, घर आके अभी मैं फ्रेश होता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। ये मैं घर आके अब थोड़ा रेस्ट वगैरह कर रहा था, ठीक है, तो पापा भी उतनी देर में आ गए। पापा गए हुए थे जनाब 2-3 दिनों से मरी मेरे इन्जॉयमेंट करने, मुझे तो वो बिल्कुल भी जाने नहीं देते, ठीक है, क्या ना दोस्तों के साथ जाने देते हैं और ना ही कहीं, क्या मैं जब कहता हूँ कि कॉलेज वगैरह कोई ट्रिप है तो मुझे जाने दो, कोई जाने वगैरह नहीं देते, ठीक है। हाँ जी पापा साहब, कैसा लगा फिर ट्रिप? हमने तो बहुत एंजॉय किया है। अच्छा जी, बर्फबारी हो रही थी सर? बहुत ज्यादा चाइना की बर्फबारी मिली है। अच्छा जी, एक रात को मिली, आज सुबह भी एक मिली है। अच्छा, बहुत तेज बर्फबारी थी यार। कॉलेज वगैरह का ट्रिप मेरा भी जा रहा है 2-3 हफ्ते तक, ठीक है, तो अब फिर हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। पापा कर क्या हुआ? मैं भी जाऊंगा, कोई नहीं जाना। क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं जाना, अभी तुम छोटे हो। क्या छोड़ दूं पापा? नहीं कोई नहीं जाना, बस पापा कोई छोटा नहीं मैं, ठीक है ना। रिस्पॉन्स इतना नहीं होना चाहिए। क्या किस चीज से जाऊं? एंजॉय करके आए थे, मैं भी एंजॉय करने। नहीं मैं जाऊंगा, अभी नहीं जाना, मैं भी जाऊंगा यार इंशाल्लाह, ठीक है, 2 हफ्ते तक जाना हमारे कॉलेज का। द नेक्स्ट डे। तो यार सुबह रात को आपका भाई वापस आके सो गया था, ठीक है, तो पता ही नहीं लगा, काफी थका हुआ था। तो अब जा रहा हूँ मैं कॉलेज क्योंकि टाइम हो चुका है, इस टाइम 8:15 आ गए कॉलेज लगने में, ठीक है, तो उधर चलते हैं अब, उधर जाके फिर दोस्तों से लगाते हैं शुगर। ओके मैं जान पहुँच चुका हूँ भाई कॉलेज, और अब चलते हैं क्लास में। तो यार आप भाई पहुँच चुके हैं, ठीक है, क्लास में चलते हैं, थोड़े दिन बाल वगैरह सेट कर रहे हैं आप भाई, तो अब अंदर जाके लगाते हैं दोस्तों के शुगर। मेरे ना दोस्तों के रीसेंट अप हो रहा है, यानी कि उन्होंने ना
सैन जब से उन्होंने बताया एबसेंट थे वो क्या पेपरों में, तो दोबारा देने उनको भी मैं शायद कोशिश करता हूँ दिखाऊँ आपको। ये देखिए अंदर ही अंदर आज हो रहा है, रिसेंट हो रहा है बच्चों का, दोबारा पेपर दे रहे हैं लोग। तो यार क्लास में अटेंडर वगैरह हो चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं पूरी क्लास खाली है, रिसेंट दे रहे हैं सारे अपने अपने जाके, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा क्लास फेल थी। ठीक है, पता नहीं अब ये पता नहीं पढ़ते नहीं है क्या मसला है, तो वो अब 11:30 उन्होंने फ्री होना है। ठीक है, तो यार ये भाई बीमार है, फेल थे फेल थे। ठीक है, आपके भाई ने इसकी सिफारिश की नीचे प्रिंसिपल पे जाके, मेरा भाई है तो इसको हमें पास कर देना है। ठीक है, चल झूठा, सिफारिश करके यानी पूरे नंबर लेके पास हुए, यानी 510 में से इनके आए, कोई 150 का नंबर आया। ठीक है, और सब हमें पास है, और ये भाई सब हमें पास, 270 नंबर पड़ा है, ये सब में पास है। यार यार मतलब कि बाद में समझ लगती है क्या ये क्लासों में तूने क्या लिखा हुआ है यार, ये क्या तो बस ये भाई लेजेंड ही समझ सकते हैं क्लास में क्या लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट तूने क्यों लिखा ये? यार मैंने नहीं लिखा, फिर बस कभी कभी मेरा हाथ दीवारों के ऊपर जाता है और वो ऐसे ऐसे हो जाता है। जिस दिन सर का हाथ तुम्हारे पे ऐसे आ गया ना ये ऐसे करके, तो फिर तुम गए यहाँ से, बाकी बाद में देखी जाएगी, अभी तो के लिए बस ठीक है। सही है लगा रहे, अच्छी तरह लग रही थी तुम पे। यार ब्रेक वगैरह हो चुकी है, ठीक है, हमारे दोस्त वगैरह जो सारे गए हैं अपना पेपर देने वो अभी तक नहीं आए, क्योंकि उनका उर्दू का पेपर था और आप जानते हैं उर्दू का पेपर काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक जैसे ही है तो गेम स्टार्ट हो गई, शामी पर का शो का हो गया। क्या कह रहे हो? शो का हो गया, शामी पर शो का हो गया, यानी रेट भराई जा रहे हो, इधर भी भराई जा रहे प्रिंसिपल। अभी शाहजी जो है फ्री हुए हैं, ठीक है, पेपर देखा जी शाहजी कैसा हुआ पेपर? पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हुआ है, तो पास हो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजी ने माशा पहले भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो जो साहब उनकी सर ने पेपर चेक सही नहीं किए थे ना शाहजी, इनके पेपर चेक सही नहीं हुए, वरना इन्होंने पास हो जाना था। अब जो सा शाहजी पेपर दे के अभी बाहर आए हैं, मैं कहा शाहजी से मिलने हो शाहजी, अब ठीक ठाक आप लोग भी उदास हुए होंगे शाहजी से, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने शुगर लगाया था तेरा ब्लॉग में, तो आज पूरा दिन मैं इनका वेट करता रहा क्लास में, लेकिन शाहजी आई नहीं, तो अभी इनसे मैंने अभी ये फ्री हुए हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उर्दू का पेपर है, 3 घंटे का पेपर करके आए जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब शीटें भर दी हमने। अच्छा जी, चलो नाश्ता हाल दिए फिर। देखे जी शाहजी अंदर क्लास में नहीं जा रहे, सर ने इसे 3 दफा कह के आज लतीफ अंदर आ जाओ, लेकिन ये नहीं, इनका सिर्फ जोन सा है ना, ये माशाल्लाह ये हमारे क्लास के सारे लड़के जो जिनके पेपर सही चेक नहीं ना हुए थे वो दोबारा आज इन्होंने रिसेंड अप दिया है। ठीक है, और मैं और शाह भी जो एंजॉय करे, क्योंकि शाह जी से बड़ा उदास हुआ था, 2-3 दिन ठीक है, वही अपनी क्लास वो पीछे वो जो 2 बच्चे नजर आते हैं कि नहीं, वो जो अब नजर आ रहे हैं हल्का हल्का, ठीक है, इन्होंने जो है शादी, इन्होंने भी पेपर दे गए, फिर पेपर दे रहे हैं, 2 दफा पेपर दे रहे हैं, हमने एक पेपर ही देना था बस। शाह मैंने तुझे कहा था पढ़ ले यार, पढ़ा था वो बस उर्दू में, पता है मैं उर्दू नहीं लिखनी आती, बाकी सब में पास थे, उर्दू में सेल थे, इंग्लिश में पास है, इंग्लिश जैसा तुम्हारी बड़ी अच्छी है, इंग्लिश में ये देखो जी गंजी गैंग के सरदार अब्दुलमान, ये क्या कह रहा था कहाँ जाना पेपर दे के, भाग जाना भाग जाना भाग शाहजी, ये ना किया करो यार, ओ हमारी गंजी गैंग बीमार हो गई है, ओए गंजी गैंग, ओए मेरी बात सुनो, ये इसका थोड़ा तारुफ बना रहे, गंजी गैंग कौन है? ये गंजी गैंग ये डकैतियां मारती रात आज सबसे आज 500 पर्चे के 500 पर्चे शाहजी, हाँ जी, हाँ जी, दीवारों में नाम नोम क्यों लिखे हुए हैं? और ये कोग शुग ये अपने पता रहे लड़के हमारी क्लास में ना, कोग शुग उनके नाम लिखे हैं, तो बाकी देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम आपका आपका फेस कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, चलो ना है बत्तो थारा मूड खराब कर दिया, वो चेक करें मारा सर ब्लैक फोर्स पर गया, और नहीं नहीं सर पे नहीं मारा दफा कर, आखिरी लेक्चर है यार, यो पट्टी बड़ी मुश्किल टाइम गुजारा है, ठीक है, आखिरी लेक्चर, ये पल पल का आखिरी लेक्चर होता है ना, आज साढ़े सारे ब्लैक फॉरेस्ट बन गए, एक बारी हफ्ते साथ दिखाओ जियो, नहीं नहीं
आपको हम एक रान दिखाते हैं ठीक है, यानी कि वो दुनिया में हमने रान कभी भी नहीं देखी होगी माशाल्लाह जी। खाते पीते घर के हम चेक करो जी भाई, इधर दिखाओ भाई, इधर खाते पीते घर के आप लोगों का हक खा लिया, आपने घर वालों का हक खा लिया भाई, खाते पीते घर के हम विश्वास कर रहे हैं, आपने घर वालों का हक खा लिया। तो यार इधर से अब्दुल रहमान पीस किए हो ना, हाय हाय की गोश लग रही है, छुट्टी वगैरह हो चुकी है बेटी का, आज जैसे आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल छुट्टी हुई है, मैच का लेक्चर हमने लिया, शुक्र है भाई जान, अल्लाह की कसम बहुत खुशी हुई है, दिल गार्डन गार्डन हो गई मेरा, और अब घर लावा जी ने छोड़ा था इधर मुंडे की टोरा वेखो जरा यहाँ से बड़ी मुश्किल होती है, कई दफा वापस गया हूँ इधर का भाई, घर पहुंच चुका है ठीक है, काफी ज्यादा शुगर लगा था कॉलेज में, तो अभी घर आया हूँ, घर ना पानी है और ना ही जोन सा गैस वगैरह आ रही है, क्या बनेगा यार, बड़े बुरे हालात हैं। खैर इस लोग को हम इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको लोग पसंद आया होगा, इस लोग ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।